सो फाइनली गाइस, जैसे हम सभी लोगों को इंतजार था कि अप्रैल के सेकंड वीक के अंदर नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा है वो लॉन्च हो जाएगी, लेकिन एंड टाइम पे मारुति सुजुकी द्वारा अर्टिगा का नेक्स्ट जनरेशन है वो अप्रैल के सेकंड वीक के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अगर आप विटारा ब्रेजा नेक्स्ट जनरेशन का वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, तो मैं कुछ आपको ऐसे फैक्टर बता दूंगा जो आप नई वाली जो अर्टिगा आ रही है उससे सिमिलर से आपको जो फीचर वगैरह है वो अर्टिगा से आपको उठा के ब्रेजा के अंदर भी दिए जाएंगे। और आज उन्हीं सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो आप ये बेहतर तरीके से डिसाइड कर पाओगे कि आपको अभी वाली ब्रेजा लेनी चाहिए फिर आने वाली ब्रेजा के लिए वेट करना चाहिए 2 से 3 महीने का। सबसे पहले बात करूं स्टेयरिंग की, तो यही सेम एज इट इज स्टेयरिंग आपको जो अर्टिगा के अंदर मिल रहा है यही आपको नई वाली ब्रेजा के अंदर देखने को मिलेगा। कंपनी आपको हाल ही में क्लेम कर रही थी कि आपको पेडल शिफ्टर नई ब्रेजा के अंदर मिलेंगे जो अर्टिगा के अंदर भी आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यही सेम जो पेडल शिफ्टर आपको ब्रेजा के अंदर मिलने वाले हैं। सामने की ओर जो आप MID देख रहे हैं यही सेम एज इट इज MID आपको ब्रेजा के अंदर भी देखने में मिलेगी। अब इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो अर्टिगा के अंदर ये कंफर्म हो गया है कि अर्टिगा के बेस मॉडल मतलब LXI के अंदर कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम है कंपनी प्रोवाइड नहीं करवा के देगी, लेकिन कंपनी आपको अर्टिगा के VXI मॉडल के अंदर भी टच स्क्रीन प्रोवाइड करवाएगी। 2D का म्यूजिक सिस्टम अब आपको मारुति किसी भी गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। मैं एल्टो वेगनर जैसी गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, या आपको मैं अपर सेगमेंट की गाड़ियों के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे स्विफ्ट हो गई, ब्लेनो हो गई, ब्रेजा, ये आपकी डिजायर वगैरह होगी, इनके अंदर अब आपको 2D का म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको सारी गाड़ियों के अंदर टच स्क्रीन मिलेगा या फिर आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे LXI जो बेस वेरिएंट रहता है उसमें आपको म्यूजिक सिस्टम कंपनी प्रोवाइड ही नहीं करवाएगी, लेकिन जैसा कि आपका जो VXI मॉडल है ZXI के अंदर, इनके अंदर आपको टच स्क्रीन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। VXI मॉडल के टच स्क्रीन की बात करें तो सेम एज इट इज वही टच स्क्रीन रहने वाला है जो ब्रेजा के अभी टॉप मॉडल के अंदर ZXI प्लस मॉडल के अंदर जो टच स्क्रीन मिल रहा है वही सेम आपको नई ब्रेजा के VXI मॉडल के अंदर मिलेगा। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट हो रहा होगा कि भैया ZXI और ZXI प्लस मॉडल के अंदर फिर कौन सा टच स्क्रीन मिलेगा अगर कंपनी VXI मॉडल के अंदर ये टच स्क्रीन प्रोवाइड करवा रही है। हाल ही में मारुति सुजुकी ने वो 2 टच स्क्रीन लॉन्च किए हैं जो आपको मारुति की हर किसी कार के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। पहले की बात करें तो आपका 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम रहेगा जिसमें आपके एंड्रॉइड ऑटो, नेविगेशन वगैरह आपके सारे फीचर वो रहने वाला है। दूसरा आपका 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो सिस्टम मिलेगा जो आप ऑलरेडी ब्लेनो के अंदर देख चुके हैं, जिसके अंदर 360° कैमरा वगैरह मिलेगा। अल्टिका के अंदर कंपनी 360° कैमरा नहीं दे रही है, तो उसके अंदर कंपनी ने 7 इंच वाला काम मिली है, लेकिन ब्रेजा के अंदर आपको 360° कैमरा टॉप मॉडल के अंदर मिल रहा है। तो ब्रेजा के टॉप मॉडल ZXI प्लस के अंदर आपको 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो सिस्टम मिलेगा। तो पहले ब्रेजा के अंदर आपको 4 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता था, लेकिन अब नई ब्रेजा के अंदर आपको सेम एज इट इज अर्टिगा वाला 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वो मिलने वाला है। इसके एक्सटीरियर की बात करें तो सेम एज इट इज वही आपको फोग लैंप मिलने वाले हैं जो अर्टिगा के अंदर आपको मिलेंगे, और साथ ही जो अर्टिगा के अंदर जो आपको 1.5 लीटर का K15 सीरीज का पेट्रोल इंजन मिल रहा है वही सेम एज इट इज आपको ब्रेजा के अंदर मिलने वाला है। जैसे हम सभी लोगों को इंतजार था कि अप्रैल के सेकंड वीक के अंदर नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा वो लॉन्च हो जाएगी, लेकिन एंड टाइम पे मारुति सुजुकी द्वारा अर्टिगा का नेक्स्ट जनरेशन वो अप्रैल के सेकंड वीक के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। दरअसल कंपनी है वो इस गाड़ी की पॉपुलरिटी को और बढ़ाना चाहती है कि इस गाड़ी को जितना लेट किया जाएगा उस गाड़ी की पॉपुलरिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। जैसा कि हमने महिंद्रा के XUV700 और हाल ही के अंदर स्कॉर्पियो के अंदर देख रहे हैं, XUV700 काफी टाइम से वो टेस्टिंग के दौरान सपोर्ट की जा रही थी, 1.5-2 साल हो गए टेस्टिंग चल रही थी। जैसा हाल ही के अंदर स्कॉर्पियो के साथ में भी हो रहा है, लोग वेट कर रहे हैं, लोगों को 2-3 साल हो गए। कंपनी ने कभी रिवील कर दिया था कि स्कॉर्पियो आने वाली है। उस वजह से जो स्कॉर्पियो लवर है वो पुरानी वाली स्कॉर्पियो लेना भी नहीं चाह रहे हैं कि क्या लेने का फायदा, अगर हम आज स्कॉर्पियो लें और 2 दिन बाद में या फिर कंपनी अगले महीने लॉन्च कर दे तो हमारी गाड़ी तो पुरानी लगेगी। इस वजह से वो लेना नहीं चाह रहे हैं और कंपनी है वो जो लॉन्च नहीं करना चाह रही है। हाल ही में कंपनी के द्वारा TVC सूट की पिक्चर्स भी लीक हुई हैं कि कंपनी ने इसका TVC सूट भी बना लिया है, लेकिन कंपनी ने हाल अभी तक कोई भी ये रिवील नहीं किया है कि इस महीने या इस तारीख को स्कॉर्पियो वो इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। वही सेम एज इट इज मारुति ने विटारा ब्रेजा के साथ में किया है। जैसा कि देखा जाए तो अर्टिगा का कोई भी रूमर्स इतना ज्यादा नहीं फैल रहा था कि नई अर्टिगा आएगी या फिर नहीं आएगी या इसी महीने आने वाली है। लोगों को ये जरूर था कि नई अर्टिगा में कुछ चेंजेस जरूर करके मारुति वाले लेके आएंगे, लेकिन ये नहीं था, कंफर्म नहीं था कि अप्रैल के अंदर आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अप्रैल के सेकंड वीक के अंदर मारुति की कोई ना कोई गाड़ी तो आएगी, कंफर्म ये था कि ब्रेजा आएगी, क्योंकि कंपनी की ओर से भी कई बार हिंट दिया गया था कि अब ब्रेजा अप्रैल के सेकंड वीक के अंदर आएगी, लेकिन मारुति ने एंड टाइम पे ये किया कि अर्टिगा को लॉन्च करते हैं और ब्रेजा को और वेटिंग पीरियड बढ़ाते जाएं तो इसकी पॉपुलरिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि मेरी वीडियो पे भी काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमने ऑलरेडी पुरानी वाली ब्रेजा वो बुक कर रखी है, तो बताइए इसकी लॉन्च डेट कब है नई वाली ब्रेजा की, तो हम नई वाली ब्रेजा ले लें पुरानी वाली नहीं लें। तो देखिए अभी कोई कंफर्म नहीं है, मे बी ये आपकी दीपावली तक भी इसकी लॉन्च डेट है वो जा सकती है। अब ये पूरा कंपनी के ऊपर डिपेंड हो गया है, कंपनी करने को मे बी अगले 15 दिन के अंदर भी लॉन्च कर दे नई नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा को,
करने को कंपनी है वो अप्रैल या फिर सॉरी दीपावली तक भी लॉन्च नहीं करे, यह पूरी तरीके से कंपनी के ऊपर डिपेंड हो गया है कि कंपनी इस गाड़ी की और कितनी हाइप बनाना चाह रही है। साथ ही कुछ ऐसे फैक्टर भी है जो कंपनी सोच रही है कि और ज्यादा वेटिंग पीरियड बढ़ाई जाए तो हम इस गाड़ी को बेहतर पैकेज के अंदर लेके आ सकें, क्योंकि इसी सेगमेंट के अंदर 3 से 4 ऐसी गाड़ियां जिनका फेसलिफ्ट या नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है। तो कंपनी ये ऑब्जर्वेशन करना चाह रही है कि हुंडई की वेन्यू अगर पहले लॉन्च हो जाती है, हुंडई वेन्यू के अंदर हुंडई वाले कौन कौन से फीचर दे रहे हैं, हम भी अपनी गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा फीचर देते हैं तो उसकी सेल्स वगैरह ज्यादा बढ़ जाए। आपका XUV300 का फेसलिफ्ट वो भी जल्दी इंडियन मार्केट के अंदर आने वाला है, और उम्मीद ये भी जताई जा रही थी कि किया सोनेट का भी फेसलिफ्ट वर्जन या नेक्स्ट जनरेशन आएगी, लेकिन कंपनी ने ना ही तो फेसलिफ्ट निकाला है ना ही नेक्स्ट जनरेशन निकाली है। कंपनी ने उसी मॉडल के अंदर एक तो नया कलर निकाल दिया, उसकी भी डिटेल के अंदर कभी हम अदर दूसरी वीडियो के अंदर बात करेंगे। कल ही वो गाड़ी किया सोनेट वो नई लॉन्च की है, उसके अंदर आपको 4 एयरबैग है वो हर किसी वेरियंट के अंदर स्टैंडर्ड कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिए, साथ ही कुछ ऐसे फीचर वगैरह जो एक अलग डिटेल वीडियो उसके लिए बनाई जाएगी। तो कंपनी ये ऑब्जर्वेशन कर रही है कि इस सेगमेंट में और जो गाड़ियां आती हैं कंपनी कौन कौन से नई गाड़ियों के अंदर फीचर दे रहे हैं, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और उस वजह से गाड़ी की हाइप भी ज्यादा बढ़ जाएगी और एक अच्छा पैकेज हम कस्टमर को प्रोवाइड करवा के देंगे। साथ ही इस गाड़ी को लेकर एक रूमर्स और फैल रहा है कि हाल ही के अंदर कई बार कंपनी ने ये भी क्लेम किया है कि वो अपनी सभी गाड़ियों के लाइनअप को CNG के अंदर कन्वर्ट करके जा रही है। हाल ही के अंदर जो विटारा ब्रेजा अभी टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट की गई है वो दरअसल देखने से पुरानी वाली विटारा ब्रेजा लग रही है। अभी रूमर्स ये फैल रहा है कि कंपनी अगर CNG लॉन्च करेगी तो वो पुरानी वाली अभी जो ब्रेजा पेट्रोल के अंदर आ रही है उसी के अंदर करेगी, और नेक्स्ट जनरेशन जो ब्रेजा आएगी वो सिर्फ आपको पेट्रोल के अंदर दी जाएगी। तो ये रूमर्स है, कंपनी की ओर से अभी कोई क्लेरिफिकेशन वो नहीं आया है। जरूर देखने से ये गाड़ी जरूर ही पुरानी वाली ब्रेजा लग रही है, कोई नया अपडेट उसके अंदर नहीं लग रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको अलॉय व्हील जरूर है या फिर देखने को मिल सकते हैं। अगर अर्टिगा की प्राइस 20 से 25 हजार रुपए इंक्रीज होती है तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि नहीं मुझे ब्रेजा ही लेनी है, क्योंकि नई ब्रेजा की प्राइस भी अलग इतनी ही ज्यादा बढ़ने वाली है। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि नई ब्रेजा इंडियन मार्केट के आने के बाद में क्या नेक्सोन है जो फर्स्ट नंबर पे आ रही है उसकी सेल्स के अंदर कमी होगी या फिर नहीं होगी। क्या नई ब्रेजा इंडियन मार्केट के अंदर आने के बाद में किया सोनेट और हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सोन जैसे इंटीरियर को टक्कर दे सकती है या फिर नहीं दे सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।